तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक जो मैं चुन करके लाया हूँ क्रिटिसिज्म पार्ट से, इंग्लिश लिटरेचर का ये क्रिटिसिज्म पार्ट दोस्तों जो आपके एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में। दोस्तों मार्क्सिज्म है क्या, मार्क्सिज्म की फिलॉसफी कैसे आई, और दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट दूंगा इस वीडियो के अंदर कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई ये फिलॉसफी आने के पीछे क्या रीजन थे, और मार्क्स जो कार्ल मार्क्स थे उनको लाइफ ने कैसे प्रभावित किया, और वो कैसे प्रभावित हुए, कैसे उनका जो बेंट ऑफ माइंड है वो जाकर के मार्क्सिज्म की ओर चला गया। तो दोस्तों चलिए आज शुरू करेंगे ये बेहतरीन वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका एग्ज़ाम दोस्तों बिल्कुल एकदम बेहद नज़दीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। और दोस्तों इस जो मैं आज मार्क्सिज्म पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ये जो पीडीएफ है जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर है, तो दोस्तों ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। दोस्तों समय का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि इस समय जो समय है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप अभी तैयार करेंगे वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों अनअकैडमी के बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप मेरे वीडियोज़ लगातार पाते रहें और आप लाभ उठा सकें। तो दोस्तों जो बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके कई सारे टॉपिक्स पर अपलोड किए इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, वो दोस्तों वीडियोस जो मैं भी आपको स्लाइड्स दिखाई दे रहा हूँ, जैसे एग्ज़ाम पॉइंट्स को लेकर के हो, इंग्लिश लिटरेचर को कैसे हम किस तरीके से हैंडल करते हैं दोस्तों, और जो ये मेरे एग्ज़ाम पॉइंट्स के वीडियोज़ हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि इन वीडियोज़ में दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, जैसे लैंग्वेज और इट्स मीनिंग, ये यूनिट 5th है जो इसको मैंने कवर किया है दोस्तों। और इसके साथ दोस्तों ये बहुत सारे वीडियोज जो आपको स्लाइड्स अभी इस समय आपकी स्क्रीन पर चलती हुई दिख रही हैं, ये सारे वीडियोज मेरे चैनल पर हैं, वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट हो या फिर दोस्तों एग्जाम पॉइंट्स हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं, मैंने आपको जैसे बताया कि हम आज बात करेंगे मार्क्सिज्म के बारे में, तो दोस्तों मार्क्सिज्म क्या है एक्चुअली में, और कैसे यहाँ तक कैसे इसका इतना विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और कैसे दोस्तों ये एक फिलॉसफी बन गई, ये सारी जर्नी को दोस्तों हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कार्ल मार्क्स, दोस्तों कार्ल मार्क्स का नाम आपने बेहद बेहतर तरीके से सुना है दोस्तों, तो ये एक फिलॉसफर थे जर्मन के। और दोस्तों बाय द वे अगर मैं बात करूँ उनकी लाइफ की, तो दोस्तों पेशे से दोस्तों क्या थे, ये पेशे से एक वकील थे, अच्छी फैमिली में पैदा हुई है, लेकिन इनके जो विचार थे दोस्तों बाद में ऐसे बदले इनके विचार कि इन विचारों ने एक नई फिलॉसफी को जन्म दिया, और ये नई फिलॉसफी दोस्तों बाद में कम्युनिज्म के नाम से जानी गई। क्या नाम था दोस्तों इस फिलॉसफी का, कम्युनिज्म, COMMUNISM। तो दोस्तों ये कम्युनिज्म की फिलॉसफी है क्या, तो कम्युनिज्म की फिलॉसफी में आपको दोस्तों देखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक इनका वर्क आया कार्ल मार्क्स का, जिसका नाम है दास कैपिटल, जो 1867 के दौरान आया था। और दोस्तों ये दास कैपिटल स्पेलिंग आप देखें यहाँ पर DASKAPITAL, जो 1867 में आया था, और ये जर्मन भाषा में था, बाद में दोस्तों ये अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने मैटरलिस्ट फिलॉसफी को काफ़ी ध्यान में रखा, और मैटरलिस्ट की जो फिलॉसफी है दोस्तों वहाँ पर इन्होंने चर्चा की कि कुछ आइडियोलॉजीज हैं। सोशल स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलता है कि कुछ आइडियोलॉजीज देखने को मिलती हैं दोस्तों, और ये आइडियोलॉजीज क्या करती हैं कि जैसे आपके सोशल स्टैंडर्ड में दो क्लास मिलेंगी आपको, एक तो हैव क्लास, यानी कि ऐसी क्लास जिसके पास बहुत सारे जो प्रोडक्शन के दोस्तों संसाधन है वो सारे मिलेंगे, और दूसरी क्लास आपको मिलती है हैव नॉट क्लास, और हैव नॉट क्लास यानी ऐसी क्लास जिसके पास संसाधनों की कमी, प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि वो क्या है, वर्कर है। और दोस्तों यहाँ पर बेसिकली जो दास कैपिटल हो या कम्युनिज्म की फिलॉसफी हो या मैटरलिस्ट फिलॉसफी हो, यहाँ पर बात किया कार्ल मार्क्स ने कि जो अपर क्लास सोसाइटी है वो लोअर क्लास सोसाइटी का ऑलवेज क्या करती है दोस्तों, वो हमेशा एक्सप्लॉयटेशन करती है, और ये एक्सप्लॉयटेशन क्यों करती है, ताकि जो अपर क्लास है वो ऑलवेज अपर रहे और लोअर क्लास ऑलवेज लोअर बनी रहे। तो यहाँ पर एक बात निकल करके आती है दोस्तों, दास कैपिटल जो एक जॉइंट वर्क था
फ्रेडरिक एंजल और कार्ल मार्क्स का। दोस्तों कार्ल मार्क्स और एक दूसरे फिलोसोफर थे जिनका नाम है फ्रेडरिक एंजल। दोस्तों जो फ्रेडरिक एंजल और कार्ल मार्क्स ने मिलकर के दोनों ने दास कैपिटल लिखा 1867 में, और एक वर्क और लिखा दोस्तों जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो 1848 के दौरान आया था कार्ल मार्क्स का वर्क। और वहां पर दोस्तों साम्यवाद की फिलॉसफी की बात की। साम्यवाद की फिलॉसफी क्या है तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर क्लासलेस सोसाइटी का जो जिक्र मिलता है वो कहलाती है साम्यवाद की फिलॉसफी। आगे दोस्तों हम देखते हैं कुछ एक्सट्रैक्ट है उनकी लाइफ से जिसे देख करके आप भी हैरान हो जाएंगे। अगर हम इसको लिटरेचर में पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण ले लेता हूं दोस्तों कि कैसे मार्क्सिज्म की प्रैक्टिस आपको लिटरेचर में मिलती है। ये एक एक्सट्रैक्ट है जो मैंने इंटरनेट सोर्सेज से लिया है, और दोस्तों यहां पर एक लिटरेरी वर्क की बात हुई है दोस्तों, जॉयस कैरोल ओएट्स। दोस्तों यहां पर स्क्रीन पर देखें कि जॉयस कैरोल ओएट्स हैं, उन्होंने एक वर्क लिखा, वेयर आर यू गोइंग वेयर हैव यू बीन। दोस्तों ये इस वर्क का टाइटल है, वेयर आर यू गोइंग और वेयर हैव यू बीन। दोस्तों जो जॉयस कैरोल ओएट्स का ये वर्क है जिसका टाइटल है वेयर आर यू गोइंग और वेयर हैव यू बीन, तो दोस्तों इस वर्क में उन्होंने बात क्या की, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक कैरेक्टर जिसका नाम है दोस्तों लेडी कैरेक्टर है, गर्ल कैरेक्टर है जिसका नाम है कोनी, लेकिन वो ओनली 15 ईयर ओल्ड है। और कोनी को दोस्तों एक मतलब वो उसका जो चाइल्डहुड है वो कैसा है, वो रिबेलियन टाइप का है, वो घर वालों की बात बिल्कुल नहीं मानती, और घर वालों की बात ना मान करके और या फिर उसकी जो मदर कहती हैं या फिर दोस्तों उनकी जो सिस्टर है जिसका नाम है जून इस स्टोरी में, तो वो उनकी किसी भी बात को नहीं मानती और अपने जो फैमिली का स्कोप है या फैमिली का जो लाइफ लिविंग का यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको वो ऑलवेज नेग्लेक्ट करती है। बल्कि वो क्या करती है दोस्तों कि जो एक अपर क्लास सोसाइटी के जो बॉयज़ हैं उनके साथ वो बैठ करके क्या लोकल रेस्टोरेंट्स में बैठती है और वहाँ पर दोस्तों बात करती है। ये सारी चीज़ें उसकी सप्रेस की जाती हैं, क्यों, क्योंकि जो उसका फैमिली बैकग्राउंड है या फिर दोस्तों उसके जो फादर हैं वो क्या करते हैं दोस्तों कि वो कहते हैं कि हम एक लोअर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और ये जैसे उन्होंने कहा कि हम लोअर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो चाइल्ड है उस पर क्या प्रभाव जाने वाला है, वो ये प्रभाव जाने वाला है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है इन लोगों की स्टैंडर्ड से ऑलवेज नीचे है। और ये प्रैक्टिस इन्हीं सारी चीज़ों को देखना आपके मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के अंतर्गत आता है। हम इन्हीं सारी चीज़ों को फोकस करते हैं और देखते हैं कि कैसे एलिमेंट्स लिटरेचर में लिटरेचर के पॉइंट्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों एक क्या है, और वहाँ पर अदर जो कैरेक्टर हैं जैसे अर्नोल्ड फ्रेंड हो दोस्तों, तो ये इस शॉर्ट स्टोरी में ये लोग क्या करते हैं कि ये दिखाते हैं कि जैसे वो काफ़ी हायर क्लास सोसाइटी से हैं, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर एक हायर क्लास सोसाइटी के प्रति एक दूसरा टाइप का रेस्पेक्ट, दूसरे टाइप की भावना कि अगर वो हायर क्लास सोसाइटी से हैं तो हम उससे डरते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें देखने को मिलती है। तो कोनी क्या करती है, इन सारी चीजों को बिना माने हुए वो रहती है, लेकिन दोस्तों जो उसका वो क्यों ऐसे रहती है, क्योंकि वो चाहती कि उसका जो सोशल स्टैंडर्ड है, उसके फैमिली का जो सोशल स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाए उन लोगों के बीच में रह करके। ऐसा दोस्तों आपको सोसाइटी में देखने को मिलता है, और बल्कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक बात कही थी कार्ल मार्क्स ने कि जो कम्युनिज्म है या ये कहें कि पावर्टी है और या फिर ये कहें कि मालिक और नौकर, यानी कि जो दोस्तों मालिक और नौकर का जो संबंध है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक मास्टर को ऑलवेज सर्वेंट चाहिए और एक सर्वेंट को मास्टर चाहिए। दोस्तों जब हम इसको रियल बैकग्राउंड में इस फिलॉसफी को देखते हैं, एक बहुत बेहतरीन दोस्तों एक्सट्रैक्ट है जहाँ पर कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी को लेकर के दोस्तों या कार्ल मार्क्स कैसे अपनी लाइफ को लीड कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों मैं अभी जाऊँगा मार्क्सिज्म की फिलॉसफी पर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मुझे लगा कि इन सारी चीज़ों को दोस्तों इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो एक एजुकेशनिस्ट थे या ये कहें दोस्तों कि एक उनके एक मिलने वाले थे कार्ल मार्क्स से, दोस्तों एक व्यक्ति मिलने गए और कार्ल मार्क्स की लाइफ को दोस्तों उन्होंने देखा, और मार्क्स की जब लाइफ को उन्होंने बहुत ही नज़दीक से उन्होंने देखा, एक्चुअली में क्या था कि इनकी जो लाइफ थी शुरू में ये जब यूनिवर्सिटी में रहे दोस्तों, तो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद ये एडिटर बने, एक काम करने लगे एक मैगजीन में न्यूज़पेपर में। काम करने के बाद क्या हुआ कि इनके जो विचारधाराएं थी तो वो ऑलवेज रिबेलियस विचारधाराएं थी, और इस ये जो विचारधाराएं थी तो ये पसंद नहीं थी
वहाँ की लोकल अथॉरिटी को। जब लोकल अथॉरिटी को पसंद नहीं थी तो दोस्तों इनके खिलाफ़ बात उठी मार्क्स के खिलाफ, और मार्क्स को वहाँ से निकाल दिया गया, स्टेट लिस्ट कर दिया गया। दोस्तों बगल की कंट्री में ये गए, जब वहाँ गए वहाँ रहने लगे कुछ दिन, और वहाँ पर भी दोस्तों इनकी ऐसी विचारधारा को लेकर के, क्यों, क्योंकि उस प्लेस पर ये माना जाता था कि यहाँ पर जैसे हंगरी है, तो वहाँ पर ये माना गया कि दोस्तों यहाँ पर रह करके ये अपनी जो बातें हैं उनको कह सकते हैं, यानी कि फ्रीडम है आपकी एक्सप्रेशन की। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, अंततः कार्ल मार्क्स को वहाँ से भी निकाल दिया गया, और लास्ट में दोस्तों ये लंदन में जाकर के रहने लगे कार्ल मार्क्स। और लंदन में जिस प्लेस पर रहते थे वो प्लेस कैसा था, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा था, ये कैसी लाइफ जी रहे थे, इसके बारे में दोस्तों एक इनसे व्यक्ति मिलने गया, और जो मिलने गया उसने इनके बारे में लिखा, कार्ल मार्क्स के बारे में, कि कैसी लाइफ वो लीड कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बेहतरीन ऊपर कोटेशन दिया, व्हेन एन एजुकेटेड मैन, कि जब एक शिक्षित व्यक्ति चूजेस टू लाइव इन पावर्टी, वो गरीबी में जीने के लिए क्या कर लेता है, चूज कर लेता है, एंड रेज हिज चिल्ड्रंस इन पावर्टी, तो दोस्तों क्या है, और अपने बच्चों को भी उसी गरीबी में उनको पालता बाँटता है, दैट इज अब्यूज। तो क्या है दोस्तों, एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा सोशल एविल है, क्योंकि आप देखते हैं सोसाइटी में क्या होता है कि दोस्तों जो भी व्यक्ति गरीब है वो ऑलवेज उसका जो स्टैंडर्ड है वो गरीबी वाला रहा आता है, और एक व्यक्ति दोस्तों जो कम काम करता है, मेहनत भी नहीं करता, लेकिन फिर भी दोस्तों उसका सोशल स्टैंडर्ड ऐसा बढ़ता है कि वो एक अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करने लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो लोअर क्लास सोसाइटी है वो ऑलवेज अपर क्लास सोसाइटी के लिए काम करती है। दोस्तों इसके बारे में जो लंदन में एक विजिटर दोस्तों उनके घर गए कार्ल मार्क्स के, उन्होंने लिखा डिस्क्रिप्शन दोस्तों कि कार्ल मार्क्स के जो चिल्ड्रन हैं दोस्तों वो क्या कर रहे हैं, हंग्रीनेस को और पावर्टी को बर्दाश्त कर रहे हैं। और उन्होंने घर की कंडीशन के बारे में लिखते हुए लिखा कि वहाँ पर क्या देखने को मिला उनके घर में, गुड पीस ऑफ फर्नीचर, नॉट वन गुड पीस ऑफ फर्नीचर, कि उनके घर में एक फर्नीचर भी अच्छा नहीं था, कि एक कुर्सी अच्छी रही हो, चेयर अच्छी रही हो। दोस्तों जो चेयर थी वो एक लेग से मिसिंग थी, सोफा जो था वो बिल्कुल टैटर्ड और टॉर्न था। ये देखकर क्या लगता है, इन सारी चीज़ों को देखकर कि उस लंदन विजिटर ने जो लिखा उनके घर के विजिटर ने, इससे यही लगता है कि कार्ल मार्क्स अपनी एक ऐसी लाइफ को लीड करने में, क्योंकि उन्हें निकाल दिया गया उनके विचारों की वजह से, ऐसी लाइफ लीड करने के लिए वो बिल्कुल क्या थे, मजबूर थे। और दोस्तों आगे उन्होंने लिखा कि वहाँ पर उनका फैला हुआ जो सामान था दोस्तों, बुक्स थी उनकी, अगर आपको टाइम मिले तो दोस्तों ये पॉज करके वीडियो आप इन सारी चीज़ों को पढ़ें, उनके ग्लासेस, बुक्स, न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे पाइप्स, और इसके साथ दोस्तों कप, डर्टी स्पून्स, ये सारी चीज़ें, क्यों, क्योंकि जहाँ पर दोस्तों गरीबी होगी वहाँ पर दरिद्रता होना सबसे, मतलब एक बहुत प्रोमिनेंट बात है कि वहाँ पर दरिद्रता ज़रूर हो जाएगी। आगे दोस्तों आपको क्या देखने को मिला उनके घर में, जो विजिटर था उसने लिखा कि उन्होंने शादी की थी दोस्तों 1843 में, और शादी की एक वेल इस्टेब्लिश एक अच्छी लड़की से शादी किया, और वो शादी दोस्तों वो पढ़ी लिखी लड़की भी थी, लेकिन वो भी दोस्तों लीड करने के लिए, मार्क्स एंड हिज वाइफ दोस्तों वो दोनों कंफर्ट होम में भी रहते थे, लेकिन प्रूशियन बैरन दोस्तों जो क्या था, जहाँ पर प्रूशियन जो गवर्नमेंट थी जिसने कार्ल मार्क्स को वहाँ से स्टेटलेस किया था दोस्तों, उन्होंने जेनी और कार्ल मार्क्स दोनों को ऐसी लाइफ लीड करने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों एक और चीज़ जो कार्ल मार्क्स की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही वो ये थी कि दोस्तों इनके 7 चिल्ड्रन थे, लेकिन इन 7 चिल्ड्रन में जो 4 बच्चे थे उनके 4 दोस्त, तो दोस्तों वो क्यों मर गए, उनकी डेथ हो गई, क्यों, क्योंकि वो लोग भूख से, गरीबी से डिप्राइव्ड थे, उनको ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं मिल पा रही थी, ना फूड था ना ये सारी चीज़ें थी, कार्ल मार्क्स इतना भी नहीं कर पा रहे थे। तो अगर हम बात करें दोस्तों, वो डाइड यंग ही, वो डाइड हो गए क्योंकि पावर्टी और इंड्योरेंस उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था, ऐसी जो कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी है वो भी रिपोर्ट करती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कार्ल मार्क्स एज अ फादर और एज अ फिलोसफर वो बिल्कुल इन सारी चीज़ों में असफल थे, कैसे, क्योंकि एज ए फादर वो अपने फैमिली को नहीं सर्वाइव कर सके, और एज ए फिलोसफर ये जो उनकी थियोरी है मार्क्सिज्म की थियोरी, ये रियल ग्राउंड पर अगर हम देखते हैं तो रियल ग्राउंड में दोस्तों कभी भी ये रियल ग्राउंड में सक्सेस नहीं है इनकी ये जो थियोरी है मार्क्सिज्म की। अभी मैं आपसे दोस्तों बात करता हूँ आगे
कि मार्क्स की जो बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे, बहुत सारी बातें की, कम्युनिज्म की बात की, सिंपैथी दिखाई उन्होंने स्लेव्स के, लेकिन फ्रेडरिक एंजल रहे हो या मार्क्स की ये फिलॉसफी बिल्कुल फेल रही, क्योंकि इसने कोई भी सपोर्ट नहीं दिया। आज भी लोग दोस्तों, बहुत सारे लोग आज भी मरते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉचिंग हिज हंग्री चिल्ड्रन गो हंग्री, सीइंग देम लाइव इन फिल्थ इज नेग्लेक्ट। तो दोस्तों ये क्या था? एब्यूज था, जो कार्ल मार्क्स थे अपनी वाइफ के लिए हो या फिर अपने बच्चों के लिए हो, जब वो कुछ नहीं कर पाए तो क्या था? एक सोशल ये इरेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो सोशल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी नहीं थी। एक चीज़ और देखने को मिली दोस्तों, ये 7 चाइल्ड तो थे उनके, और एक चाइल्ड उनका दोस्तों जो आपके कार्ल मार्क्स थे उनकी जो एक घर में नौकरानी थी काम करने वाली, तो उनसे एक इलिजिटमेट चाइल्ड पैदा हुआ। और दोस्तों उस चाइल्ड को जब उनकी वाइफ ने इस संबंध में बात की तो उन्होंने इस बात से नेगलेक्ट किया कि ये उनका चाइल्ड है, बल्कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये उनके जो मित्र हैं फ्रेडरिक एंजल उनका है। लेकिन बाद में दोस्तों उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मेरा ही चाइल्ड है। और दोस्तों एक चीज़ आगे की मैं और बात बता दूँ आपको दोस्तों, कि जो आप देखते हैं इस समय कि जो इनकी फिलॉसफी है फेल्ड है, क्योंकि क्यूबा जैसी यूनियन, सोवियत यूनियन की बात करें या क्यूबा जैसे देशों की बात करें, जहां पर दोस्तों, या नॉर्थ कोरिया की बात करें, जहां पर लोग आज भी मर रहे हैं, क्योंकि जो क्लासलेस सोसाइटी का इनका सपना था वो कभी भी पूरा नहीं हो सका। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या एक लेजीनेस सेल्फिशनेस की लाइफ जीने वाले मार्क्स, हम इस बात पर क्रिटिसाइज कर सकते हैं मार्क्स को कि वो अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं कर सके, और उन्होंने अपनी चाइल्ड हो या वाइफ को हो, सबको एब्यूज किया, इवन हाउस कीपर को भी एब्यूज किया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मार्क्स की लाइफ में आपको देखने को मिली। मार्क्स के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो एग्जाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो क्या है? तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो है दोस्तों कि यहाँ पर उन्होंने बुर्जुआ क्लास की बात की। बुर्जुआ क्लास क्या है दोस्तों? जिसे हम बर्गेस या बुर्जुआ क्लास पढ़ते हैं, ये क्या है? ये एक डोमिनेंट क्लास है। जो डोमिनेंट क्लास है उसे हैव क्लास भी हम कहते हैं। इस बुर्जुआ क्लास को हम हैव क्लास कहते हैं, और हैव क्लास क्या करती है? कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि दोस्तों जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि अगर इफ यू हैव मनी देन यू कैन सर्वाइव ऑन सोसाइटी, यू कैन डू वर्क, यू कैन हैव दी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था ये बुर्जुआ क्लास के हाथों में था, क्योंकि ये डोमिनेंट क्लास थी। और जो प्रोलेटेरिएट रहे दोस्तों, जो हैव नॉट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास, और सबऑर्डिनेट क्लास क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो हमेशा डोमिनेंट क्लास पर क्या रही? निर्भर रही, उन पर ही उनकी निर्भरता रही। और ये क्लास जो है हैव नॉट क्लास भी हम इसे बोलते हैं, और इसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। ये क्या है? लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, जो उन लोगों के लिए काम करती है, मेहनत करती है और उसके बाद कमाती है, और वो लोग इंजॉय करते हैं। कौन? अपर क्लास, जिसे हम बोलते हैं बुर्जुआ क्लास। अगले दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो इनका वर्क है 1848 में आया था दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कम्युनिज्म का, जहां पर इन्होंने कुछ बातें की। दोस्तों टेरी इगल्टन एक बेहतरीन मार्क्सिस्ट क्रिटिक हैं, और दोस्तों उन्होंने लिखा वर्क व्हाई मार्क्स वाज राइट। तो मार्क्स राइट क्यों थे? तो आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जब मार्क्स को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा इतना इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये चीज़ बिल्कुल नोटिसेबल होती है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन हिज लाइफ, और व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन हिज फिलॉसफी, एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आर नॉवेल ड्रामा और स्टोरीज, तो क्या इम्पॉर्टेंट है? तो मैं बता दूं आपको कि ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैसे इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिसेस, क्योंकि आपको एक चीज़ देखने को मिलती है कि सोसाइटी में हमेशा अपर क्लास की बढ़ाई की जाती है, और लोअर क्लास के क्या सुख सुविधाएं हैं क्या नहीं है, इस पर कभी फोकस नहीं किया जाता। एक उदाहरण की अगर मैं बात बताऊं दोस्तों, एक मूवी मान लीजिए, कोई एक मूवी है उसमें हीरो है, हीरो एक कोई प्रिंस है, तो प्रिंस को अगर थोड़ी सी तकलीफ होती है तो उसमें दिखाया जा रहा है कि प्रिंस को बहुत तकलीफ है, उसको किसी किंगडम से उसकी किसी लड़ाई हो गई लेकिन उसमें वो हार गया, लेकिन तकलीफ में है। लेकिन दोस्तों
अदर किंगडम से वो जब लड़ा तो उसके साथ बहुत सारे उसके सैनिक थे, और किस सैनिक को कितनी गहरी चोट लगी और कितना उसको दर्द हुआ ये कभी नहीं दिखाया जाता। तो ये वो हिस्सा है सोसाइटी का, ये वो समाज का हिस्सा है जो करता तो है लेकिन दिखाया कभी नहीं जाता। तो दोस्तों ये सारी चीज़ थी डील होने वाली मार्क्स के साथ, क्योंकि मार्क्स चाहते थे कि क्लास लेस सोसाइटी हो, ऐसी सोसाइटी जहां पर सबको महत्व दिया जाए। टेरी गेल्टन, फ्रेडरिक एंजेल दोस्तों जो इनके सहपाठ साथ में थे दोस्तों, जो कोलेब्रेशन जिन्होंने किया इनके वर्क्स के साथ, एंटोनियो ग्राम्सी ने दोस्तों एक टर्म दिया जिसका नाम है कल्चरल हेजेमनी। और दोस्तों कल्चरल हेजेमनी जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटोनियो ग्राम्सी ने इस टर्म को दिया। और यहाँ पर दोस्तों बात किया उन्होंने डोमिनेशन की कि कल्चरल हेजेमनी है क्या। एक्चुअली में जो रूलिंग क्लास है तो वो डोमिनेट करती है, रूलिंग क्लास किस पर दोस्तों, और लोअर क्लास पर वो डोमिनेट करती है, और वो मैनिपुलेट करती है कैसे, मैनिपुलेशन के लिए कभी लिटरेचर को, कभी मूवीज को, तो कभी दोस्तों अपनी सहानुभूतियाँ, यानी कि जो लोअर क्लास सोसाइटी है उसकी सहानुभूतियाँ लेने के लिए इन ये रूलिंग क्लास कुछ हथकंडे यानी कि कुछ अपनी चीज़ें आजमाती हैं। और ये क्या चीज़ें हैं कि कभी लिटरेचर के थ्रू, कभी सोसाइटी के थ्रू, तो ये उनकी सहानुभूति सिंपैथी लेते हैं एक लोअर क्लास की, कौन अपर क्लास, और ये धीरे धीरे जो सिंपैथी है ये डोमिनेशन में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरीके से भावनात्मक करके लोअर क्लास को मैनिपुलेट किया जाता है कि वो उनके लिए काम करे। और दोस्तों लोगों के बीच में बिलीफ और वैल्यू जैसी बना दी जाती हैं, वी आर बोर्न टू वर्क, लोग क्या सोचने लगते हैं कि हम काम करने के लिए ही बने हैं। एक मजदूर है, रिक्शा चालक का एक बच्चा है, तो वो क्या सोचेगा बाद में कि मैं भी पापा के बाद रिक्शा चलाऊंगा, तो ये सीधी सी बात क्या हो जाती है, फिर वो एक्सेप्टेड कल्चर हो जाता है। अब लोग मजबूर हो जाते हैं कि नहीं ये हमारी जिंदगी है, हम नौकर हैं और हम नौकर की तरह ही रहेंगे। तो ये दोस्तों कल्चरल हेजेमनी में जो एंटोनियो ग्राम्सी ने बात की बेसिकली यही बात है, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप याद रखेंगे कि एंटोनियो ग्राम्सी ने कल्चरल हेजेमनी कॉन्सेप्ट दिया है। आगे दोस्तों देखें रायमंड विलियम्स हो या फिर दोस्तों सिल्वा प्लैंकहर्स्ट, तो कई बार आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से प्रोमिनेंट आपके ऑथर हैं, कौन कौन से प्रोमिनेंट आपके फिगर हैं जो मार्क्सिज्म फिलॉसफी के साथ संबंधित हैं। तो दोस्तों वो रायमंड विलियम्स, सिल्वा प्लैंकहर्स्ट, फ्रांस फैनन, बर्टोल्ड ब्रेचेट, वाल्टर बेंजामिन, लुइस अल्थजर, थियोडोर एडोर्नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार यहाँ से पूछा जाएगा कि मार्क्सिज्म से कौन कौन से हैं, तो इनमें से कोई ना कोई नाम जरूर दिया रहता है, या फिर हो सकता है सारे नाम दिए हों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों इसके साथ उन्होंने सरप्लस की बात की कि सरप्लस क्या होता है। एक्चुअली में ये थोड़ा इकोनॉमिकल टर्म है, लेकिन एडम स्मिथ हो रहे हों आपके, या फिर दोस्तों अदर जो आपके इकोनॉमिक्स थे उनसे भी काफ़ी प्रभावित थे आपके कार्ल मार्क्स, तो उन्होंने ये भी बात किया कि एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि हम 8 घंटे अगर काम करते हैं तो हमारा सरप्लस कुछ और होना चाहिए, लेकिन वो सरप्लस जाता किसके हिस्से में है, प्रोड्यूसर यानी कि जो मालिक है मास्टर के हिस्से में चला जाता है, और इस तरीके से हम जो हमें एक छोटी वेजेस मिलती हैं, थोड़ी सी वेजेस मिलती हैं, उसी से हम क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, अपनी लाइफ चलाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके साथ मेरा एक जो मैंने जाना मार्क्सिज्म के बारे में, जो मेरी विचारधारा रही मार्क्सिज्म के बारे में, और अदर जो राइटर्स ने लिखा उनका मैंने आपको वो भी दिया कि डिस्क्रिप्शन भी दिया कि कैसे किसने कितनी बात की मार्क्सिज्म के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर दोस्तों मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलता हूँ दोस्तों, शुभ रात्रि।